आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ठंड की स्पेशल डिश हरीरा। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और सारी बीमारियों से हमें बचाता है। हरीरा बनाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं हरीरा बनाने। हरीरा बनाने के लिए हमने कुछ सामान ले लिया है, जैसे कि ये है लकड़ी हरीरा वाली, इसका नाम है पीपर। ये कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप ये लकड़ी का यूज हरीरा बनाने में जरूर करें, क्योंकि ये होती है गर्म, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, इसलिए हम इनका यूज करेंगे। फिर हमने लिए हैं किशमिश, ये है गोंद, ये है देसी गोंद, इसका यूज भी हम हरीरा बनाने में करेंगे। हमने कुछ लिए मखाने, बादाम और काजू। हमने लिए हैं छुआरे, ये है हमारी सौंठ, और सौंठ को आप चाहो तो डाल सकते हो और इसको हटा भी सकते हो, आपकी मन के ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। वैसे मैं सौंठ का यूज करने वाली हूँ। ये है मिठाई, आप मिठाई कोई भी यूज कर सकते हो, ये मेरी है देसी मिठाई, आप बाजार में जो भी अवेलेबल है मिठाई आप उसको लेके यूज कर सकते हो उसमें। और ये है गरी, जिसको हम बड़ा बड़ा काटेंगे। इसमें हरीरा बनाने से पहले हम आपको एक बात बताएंगे कि ये जो लकड़ी है इसको हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है, और ये सौंठ है इसको भी हमें मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करना है दोनों को। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे घी, ऐड करेंगे गोंद, हमारी जो गोंद है अच्छे से भुन चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें फ्राई करेंगे मखाने। ये हमारी फ्राई हो चुकी है, हम इनको निकाल लेंगे इसी में। हम इसमें किशमिश फ्राई कर लेंगे। किशमिश मेरी फ्राई हो चुकी है, हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें छुआरे भून लेंगे। हमारे छुआरे भुन चुके हैं, हम निकाल लेंगे इसको। हमने कटोरी ले ली है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच हल्दी। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये है मसाले वाली पीपल लकड़ी, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, अब हम इसको इसी मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसको। ये हमारा घोल तैयार हो चुका है। ये हल्दी और पीपर की जो लकड़ी है उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, दोनों का मिक्सचर है ये, इसको अच्छे से हमने मिला लिया है। हमने ये कढ़ाई फिर रख ली है, जिसमें ये बचा हुआ तेल था, अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें घोल ऐड करेंगे जो हमने बना लिया था। अच्छे से चलाना
अब हम इसमें ऐड करेंगे एक ग्लास पानी। इसमें हम ऐड करेंगे मिठाई। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू और बादाम। अब हम ऐड करेंगे इसमें जो हमने सारा सामान ये फ्राई कर लिया था, अब हम इसमें ऐड करेंगे। देख सकते हैं इसका जो कलर है बिल्कुल मिठाई के जैसा हो चुका है। इसमें जो भी मेवा डली है सारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। पांच मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से बन के रेडी हो चुका है हमारा हरीरा। अब हम इसको उतार लेंगे। अब देख सकते हैं कितना अच्छा हरीरा बन के रेडी हो चुका है और हमने इसको सर्व कर लिया है। ये ठंड में हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। हरीरा हमारा बन के रेडी हो चुका है। हमारा हरीरा बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और टेस्टी बन के रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें।